जय जिनेंद्र दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैनखजाना में। आज के वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं टेस्टी जामुन शॉट्स बनाने की रेसिपी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर ले, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो चलिए देखते हैं हमें क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। शक्कर 1 टीस्पून, काला नमक 1/4 टीस्पून, नींबू का रस, पानी, आइस क्यूब्स और लेमन एंड मिंट फॉर गार्निशिंग। सबसे पहले शॉट्स बनाने के लिए हमें जामुन में से बीज अलग करने पड़ेंगे, जिसके लिए हम उसके ऊपर और नीचे का हिस्सा हटाकर उसमें से सारा पल्प निकाल लेंगे और बीजों को अलग कर लेंगे। यही प्रोसेस फॉलो करते हुए हमें बाकी सारे जामुन में से भी ऊपर और नीचे का हिस्सा निकाल लेना है, और साथ में उसका पल्प अलग करते हुए हम उसमें से सारे बीजों को निकाल लेंगे। देखिए, ऐसा करते हुए हमने सारा पल्प इकट्ठा कर लिया है। जो जामुन का पल्प है वो हमारे पास लगभग 1 कप के बराबर मिल चुका है। तो चलिए, शॉट्स बनाने के लिए हम सबसे पहले हमारे जामुन के पल्प को ब्लेंड कर लेंगे, जिसके लिए हमने एक पॉट में हमारा जामुन के पल्प डाल लिए हैं। उसमें हमने डाला है ऊपर से शक्कर, काला नमक और आखिरी में हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। लीजिए, हमने सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे पॉट में डाल लिए हैं। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के लिए मैंने हैंड ब्लेंडर का यूज करा है। आप लोग चाहे तो इसके लिए आप मिक्सर का भी यूज कर सकते हैं। मिक्सर ग्राइंडर में भी ये अच्छी तरीके से मिक्स होगा, लेकिन मैंने इसके लिए हैंड ब्लेंडर का यूज किया है। थोड़ा सा ब्लेंड करने के बाद हम इसमें डाल देंगे पानी, ताकि सारी चीजें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। जिससे हमारे शॉट्स काफी चिल और अच्छे लगेंगे। थोड़ी देर और ब्लेंड करने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा और पानी। आप लोग चाहे तो अपने हिसाब से उसे गाढ़ा या पतला करने के लिए उसमें पानी और ऐड कर सकते हैं। हमें इसे सेमी लिक्विड होने तक ब्लेंड करते रहना है, ताकि ये काफी अच्छा टेक्सचर दे और इससे हमारे शॉट्स काफी टेस्टी बने। तो लीजिए, ये रेडी हो चुका है। अब इन्हें हम पोर करने से पहले ग्लास को डेकोरेट कर लेंगे। ग्लास के डेकोरेशन के लिए सबसे पहले हम एक लेमन से ग्लासेस के एजेस पे उसको स्क्वीज कर लेंगे। उसके बाद हम इसे नमक से भरी हुई प्लेट में डिप कर लेंगे, ताकि उसमें नमक अच्छी तरीके से चिपक जाए। ऐसा ही हम दूसरे ग्लास के लिए भी करेंगे। आप लोग चाहे तो नमक की जगह काले नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे ग्लासेस रेडी है, इसमें हम हमारा जामुन शॉट पोर कर देंगे। हमने दोनों ग्लासेस में जामुन शॉट्स को भर लिया है। लीजिए, आपका टेस्टी सा जामुन शॉट रेडी है। अब आप लोग भी घर में एंजॉय कीजिए एक यमी सा ड्रिंक। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर